वह शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम आपको बोलना चाहते हैं थैंक यू, क्योंकि आपका रिस्पांस जो है हमारी क्लासेस के लिए काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं अपनी। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो इस वाले एक्सरसाइज में हमें भाग सिखा रहे हैं, मतलब भाग कैसे किया जाएगा ये हमें सीखना है। तो जैसे 12 को भाग करना है 3/4 से, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आपने पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि भाग जो है उसमें हमें गुणा का यूज़ करना है, और गुणा जो है पिछली एक्सरसाइज में थी। तो फिलहाल हम यहाँ पे 12 क्या क्या लिख लेंगे, 12 का हम 12 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। 12 था तो 12 का हमने 12 लिख लिया, ठीक है। भाग था तो भाग को हम गुणा में कन्वर्ट कर देंगे। भाग के बाद जो जस्ट बाद में संख्या लिखी होती है उसका उल्टा कर देंगे। जैसे 3/4 था तो 4/3 कर देंगे, कर दिया, उल्टा करना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब हम अगर कट रहा हो तो काट देंगे। जैसे 3 × 3 होता है और 3 × 12 होता है, तो हमने काट दिया। अब 4 की गुणा 4 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 16, और बचा हमारे बटे में 1। और किसी संख्या के बटे में अगर 1 है तो हम उसको क्या करते हैं, 1 को हटा देते हैं, मतलब हमारी वही संख्या आ जाती है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर 16 आ गया। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है 14 और यहाँ पे भाग है 5/6, तो 14 हमने लिख दिया। चाहे अगर आपको बटे में 1 लगाना है तो लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर संख्या के नीचे बटे में 1 होता है, पर हम लिखते नहीं हैं, इसीलिए हमने बटा भी लगा लिया। चाहे तो ना भी लगाओ, इस वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हो। और भाग की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है, गुणा कर दी। और इसके भाग के जस्ट बाद वाला जो है वो होता है भिन्न, वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। 6/5 हो जाएगा, 5/6 का 6/5 हो जाएगा। अगर कुछ कट रहा हो तो काट देंगे, फिलहाल कुछ कट नहीं रहा है, तो हम 14 की 6 से गुणा कर देंगे। 14 छक्का क्या होता है, 14 छक्का 84, ठीक है, और 5 × 5, ठीक है। ये हमारी भिन्न कैसी हो गई है, अनुचित भिन्न है। क्यों, क्योंकि इसका अंश बड़ा है। आप कहोगे ये भी इसका भी तो अंश बड़ा था भाई, हर इस यहाँ पे बटे में 1 भी तो है, ये भी तो देखो, बटे में 1 अगर होता है तो उस 1 को हटा ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बटे में 1 के अलावा कुछ है ना, 5 है ना, तो ये हमारे अनुचित भिन्न हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इसको हम मिश्रित भिन्न में चेंज कर देंगे। मिश्रित भिन्न में कैसे चेंज होगा, तो 5 से 84 को करेंगे भाग, तो 5 × 5 हुआ, ठीक है, 8 में से 5 को हटाया, 3 बचा, 4 उतार दिया, और 5 × 30 हो गया, हमारा 4 शेष बच गया। जो शेष होता है वो अंश की जगह पे चला गया, जो भागफल आया वो हमारा बटे के सामने हो जाता है, और जो हमारा हर होता है वो हर ही रहता है, मतलब 14 से ही 4/5 जो है वो हमारा इसका आंसर हो गया। अब करते हैं अपना तीसरा वाला पार्ट। ये कह रहा है 8 को भाग करना है 7/3 से, तो भाग की जगह पर गुणा हो गया, 7/3 का क्या हो गया, 3/7। कुछ कट रहा हो तो काट दो, कुछ कट ही नहीं रहा है, तो 8 × 3 = 24 हो गया, बटे में 7, ठीक है। ये भी हमारे अनुचित भिन्न है, इसका आंसर पड़ा है। तो 7 से भाग करेंगे 24 को, ठीक है। अब हमने आपको बहुत प्रैक्टिस कराई है मिश्रित भिन्न में चेंज करने की, ठीक है। तो अब मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी कैसे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारा मतलब 24 से कम आ जाए या 24 के बराबर आ जाए। तो 7 × 21 होता है, 7 × 4 = 28 होता है, 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 × 21 करेंगे, 21 आया ना, 24 में से 21 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, 3 शेष बचा, यहाँ पर लिख दिया, बटे में 7 था, लिख दो, तो 3 सही 3/7 इसका आंसर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा है, 4 को भाग करना है, भाग की जगह पे गुणा कर दिया 8/3 से, तो 8/3 का हो जाएगा 3/8। अब हम देखेंगे कट रहा है कि कट नहीं, तो यहाँ पे कट रहा है, 4 × 4 होता है, 4 × 2 = 8 होता है, और 1 × 3 क्या हो गया, 3 हो गया, बटे में 2 था, ठीक है। ये भी हमारे अनुचित भिन्न है, क्योंकि इसका आंसर बड़ा है। तो भाग करेंगे, 2 × 1 एक बार में गया, 2 × 1 = 2 आया, 3 में से 2 को घटाया तो 1 बचा, बटे में 2 था, तो 1 सही 1/2 इसका आंसर हो गया। इसको करते हैं, ठीक है। इसको जब हमने किया तो देखा था 3 को भाग करना है किससे, इससे। पहले तो इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, फिर इसको करते हैं सॉल्व। 3 × 6 = 6 × 1 = 7, बटे में 3, ठीक है। अब हमने कन्वर्ट कर लिया, 3 लिखेंगे, भाग की जगह पर गुणा कर देंगे, 7/3 का हो जाएगा 3/7, ठीक है। कुछ हमारा कट नहीं रहा है, तो 3 × 3 = 9/7 कर देंगे। ये भी अनुचित भिन्न है, अंश बड़ा है, तो उसको भी भाग करेंगे, तो 7 × 1 एक बार में गया, 7 × 9 = 7 कटाया, 2 बचा, जो शेष बचा उसको ऊपर लिख दिया, बटे में 7 था, तो ये हमारा 1 सही 2/7 ये हमारा आंसर आ गया,
ठीक है। इसको करते हैं पाँच भाग तीन सही चार बटे में सात, तो पाँच लिख दिया ठीक है। अभी अब हम भाग लगा रहने देते हैं, पहले इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लें। सातियाँ इक्कीस, इक्कीस में चार जोड़ा तो हमारा हो गया पच्चीस ठीक है, बटे में सात। अब हम क्या करेंगे, पाँच लिखा भाग की जगह पर गुणा कर दिया और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सात बटे पच्चीस हो जाएगा। कुछ कट रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सॉरी, पाँच एकम पाँच पचम पच्चीस, तो एक सत्ते सात और बटे में पाँच। ये भी हमारे अनुचित भिन्न है क्योंकि अंश बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, पाँच को भाग देंगे सात से, तो पाँच से सात को भाग करेंगे तो पाँच एकम पाँच पाँच आए, सात में से पाँच गया दो बचा और बटे में पाँच, एक सही दो बटे में पाँच इसका आंसर हो गया ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात किए। व्युत्क्रम का मतलब होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं उल्टा ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा या विलोम ठीक है। और फिर कह रहे हैं व्युत्क्रमों को उचित भिन्न विषम भिन्न या पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत करना है। तो मतलब व्युत्क्रम करना है, फिर उसे हमें बताना है कि ये जो भिन्न आ रही है वो हमारी कैसी भिन्न आ रही है ठीक है। तो जैसे कि हमें क्या करना है, तीन बटे सात दिया गया है ठीक है, तो तीन बटे सात का हमें उल्टा कर देना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे तीन बटे सात का व्युत्क्रम ठीक है, तो इसका उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, सात बटे में तीन ठीक है। यहाँ पे तो अंश छोटा था तो ये हमारी उचित भिन्न थी ठीक है, और यहाँ पे अंश बड़ा है, बड़ा हो गया ना। जब अंश बड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। पर इन्होंने अनुचित भिन्न तो बोला नहीं है, अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न भी बोलते हैं ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न भी बोलते हैं। इसका मतलब ये हमारी कैसी भिन्न हो गई है, ये हमारी विषम भिन्न हो गई है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, विषम भिन्न, विषम भिन्न हो गई ठीक है, बस हमको यही बताना था। अब हम यहाँ इसको करते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे पाँच बटे आठ का व्युत्क्रम, तो उल्टा कर दो, आठ बटे पाँच हो गया ठीक है। तो यहाँ पे भी अंश बड़ा है तो ये भी हमारी कैसी हो गई, विषम भिन्न हो गई ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है नौ बटे सात, तो यहाँ पे लिख देंगे नौ बटे सात का व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम किया तो सात बटे नौ हो गया। अब यहाँ पे अंश तो छोटा है, अंश जब छोटा होता है तो हमारी कैसी भिन्न बनती है, उचित भिन्न बनती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, उचित भिन्न ठीक है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है छः बटे पाँच, तो यहाँ पे लिख देंगे छः बटे पाँच का व्युत्क्रम, तो क्या हो जाएगा, पाँच बटे छः ठीक है। तो यहाँ पे भी अंश हमारा छोटा हो गया तो इसका मतलब ये भिन्न जो बनी है उचित भिन्न बन गई है ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं और यहाँ पे लिखा है बारह बटे सात का व्युत्क्रम, तो क्या हो जाएगा, सात बटे बारह। तो इसमें भी हमारा अंश छोटा है, इसका मतलब भिन्न कैसी बन गई है, उचित भिन्न ही बन गई है। तो हमने यहाँ पे उचित भिन्न लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखा है एक बटे आठ, तो यहाँ पे लिखेंगे एक बटे आठ का व्युत्क्रम। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक बटे आठ का व्युत्क्रम हो जाएगा आठ बटे में एक। अब हमने आपको क्या बताया था, अगर किसी संख्या के बटे में एक होता है तो वही हमारी जो ऊपर संख्या लिखी होती है वही हमारी संख्या बन जाती है, एक को हम मानते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हमारी भिन्न हो गई है कैसी है, इसके बटे में तो कुछ है ही नहीं। तो भिन्न ये जो अगर पूर्ण संख्या मतलब पूरी पूरी संख्या लिखी हुई है ना आठ, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। मतलब एक बटे आठ का व्युत्क्रम जो होगा वो एक पूर्ण संख्या होगी ठीक है। यहाँ पे ग्यारह, एक बटे ग्यारह है तो हम एक बटे ग्यारह का व्युत्क्रम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ग्यारह बटे में एक, जिसको हम यहाँ पे भी बटे में एक है तो हमारा ग्यारह हो जाएगा। अब ग्यारह हमारी पूरी पूरी संख्या है, इसका मतलब ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी ठीक है। अब आपको उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न भी कहते हैं ठीक है, और पूर्ण संख्या, इनके बारे में जानकारी पूरी तरीके से हो गई है। अब करते हैं अपना तीसरा भाई क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखा सात बटे तीन को भाग करना है दो से ठीक है, तो हम यहाँ पे सात बटे तीन लिख लेंगे, भाग का चिन्ह भी लगा लेते हैं, फिलहाल अभी लगा लेते हैं, आपको समझा देते हैं। यहाँ पे लिखा है दो, दो के बटे में कुछ है नहीं तो हम उल्टा क्या करेंगे। तो अभी अभी हमने देखा अगर किसी के बटे में कुछ नहीं होता है तो हम वहाँ पे बटे में एक मान लेते हैं ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, अब हम उल्टा कर सकते हैं ना, तो सात बटे तीन लिख लेंगे, भाग की जगह पर गुणा लगा लेंगे ठीक है, और एक दो बटे एक का उल्टा हो जाएगा एक बटे में दो। अगर कुछ कट रहा है, काट दो, कट तो रहा नहीं है, तो सात एक कम सात और तीन दूनी छः ठीक है। तो ये हमारा आ गया
ये आ गया। अब हमने देखा है कि अंश बड़ा है, इसका मतलब हमारी अनुचित भिन्न हो गई है या विषम भिन्न हो गई है, तो हम इसको विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में चेंज कर लेंगे, भाग करके छः से भाग करेंगे सात को, तो छः एकम छः, एक बार में गया छः आया था ना, सात में से छः को घटाया एक बचा, तो बटे में छः पहले से ही था, एक सही एक बटे छः जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे चार बटे नौ लिखा है, भाग को भाग रहने देते हैं, पाँच का हम लिख लेंगे पाँच बटे में एक, ठीक है, क्योंकि बटे में कुछ है नहीं, तो चार बटे नौ लिख लेंगे, भाग की जगह पे गुणा कर देंगे, पाँच बटे एक को हम एक बटे पाँच में लिख लेंगे, उल्टा कर देंगे, भाग का उल्टा गुणा होता है, पाँच का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, एक बटे पाँच हो जाएगा, ठीक है। कट रहा हो तो काट देंगे, कट नहीं रहा है तो चार एकम चार और नौ पना पैंतालीस, यहाँ पर अंश छोटा है तो ये हमारी उचित भिन्न है, उचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ पे छः बटे तेरह था लिख दिया, भाग की जगह पे भागी लगा दिया, सात की जगह पे सात बटे एक लिख दिया, सॉरी एक लिख दिया, सात की जगह पे हमने एक लिख दिया है, अब छः बटे तेरह लिख देंगे, ठीक है, भाग की जगह पे गुणा और इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब एक बटे सात, कुछ कट नहीं रहा है, तो छः एकम छः तेरह सत्ते हमारा क्या होता है इक्यानवे होता है, तो हमने लिख दिया ये हमारी उचित भिन्न है, क्योंकि अंश छोटा है तो इसको मिश्रित भिन्न में नहीं चेंज कर सकते। अब इसको हम साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं, तीन चक्कू बारह, बारह में एक जोड़ा तो हो गया तेरह, तेरह बटे तीन, भाग का निशान लगा दिया, तीन बटे में क्या कर दिया हमने, बटे में कुछ था नहीं तो एक लिख दिया, तो यहाँ पे तेरह बटे तीन फिर से हमने लिख दिया, भाग की जगह पे हमने गुणा कर दिया और इसका कर दिया उल्टा, एक बटे तीन हो गया, अब हमारा कुछ कट नहीं रहा है, तो तेरह एक कम तेरह और तीन तीन नौ, तेरह बटे नौ हो गया, इसमें अंश हमारा बड़ा है, इसका मतलब ये हमारे अनुचित भिन्न है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे मिश्रित भिन्न में, कैसे, नौ का नौ से भाग करेंगे तेरह को, तो नौ दूनी अठारह ज़्यादा हो जाता है, नौ एक कम नौ करेंगे, एक बार में गया तेरह में से नौ को घटाया तो हमारा चार बचा, बटे में हम जो हर होता है वही लिख देंगे, तो एक सही चार बटे नौ जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं अपना लास्ट वाला पार्ट, सॉरी लास्ट नहीं है, एक और बचा है इसके बाद भी, तो इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, तीन दो छः, छः में एक जोड़ा हो गया सात, बटे में दो, भाग की जगह पे गुणा लगा देंगे और चार का उल्टा होता है एक बटे में चार, ठीक है, कैसे हुआ एक बटे में चार ये आपको पता है, चार के बटे में कुछ है नहीं तो बटे में एक हो गया, तो अगर चार बटे एक का उल्टा करेंगे एक बटे चार हो जाएगा, ठीक है, कुछ कट नहीं रहा है, तो सात एकम सात, चार दूनी आठ, ठीक है, ये हमारी उचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश छोटा है तो मिश्रित भिन्न में चेंज नहीं होगा। तो चलते हैं अपने छठे हुए पार्ट पे, तो यहाँ पे लिखा है चार सही तीन बटे सात भाग सात, तो हम इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे, सात चौक अट्ठाईस, अट्ठाईस में तीन जोड़ा तो हो गया हमारा इकतीस बटे में सात, भाग की जगह पे गुणा कर दिया, सात का उल्टा एक बटे सात कर दिया, कुछ कट नहीं रहा था तो इकतीस से कम इकतीस कर दिया और सात सते उनचास कर दिया, ये हमारी उचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश छोटा है तो इसको हम साधारण भिन्न मिश्रित भिन्न में चेंज नहीं करेंगे, ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे लिखा है ज्ञात कीजिए, मतलब इसका हमें भाग करना है, ठीक है, पहला क्वेश्चन में लिखा है दो बटे पाँच भाग एक बटे में दो, तो पहला वाला जो भिन्न होता है उसको सेम टू सेम उतार देंगे, अब भाग का उल्टा कर देंगे गुणा तो और एक बटे दो, भाग के जस्ट बाद वाला जो हमारी भिन्न है उसका भी उल्टा कर देंगे, दो एक बटे दो है तो इसका उल्टा हो जाएगा दो बटे में एक, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है तो दो दूनी चार कर देंगे, पाँच एकम पाँच कर देंगे, तो चार बटे पाँच जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे चार बटे नौ लिख देंगे, भाग की जगह पे गुणा कर देंगे, तीन दो बटे तीन का उल्टा तीन बटे दो कर देंगे, कुछ कट रहा है तो हमने देखा हाँ कट रहा है, तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, ठीक है, दो एकम दो, दो दूनी चार, कट रहा था हमारा तो दो एकम दो कर दिया, तीन एकम तीन कर दिया, तो दो बटे तीन जो है इसका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसकी गुणा कर लेते हैं चातियाँ, जैसे कि हम यहाँ पे बता दें चातियाँ बारह आ जाता और नौ दूनी अठारह आ जाता, फिर इसको बाद में काट लेते जैसे चातियाँ बारह नहीं तीन से कट जाता, तीन चक्कू बारह और तीन छाँक अठारह, फिर दो से काट देते दो दूनी चार दो तियाँ छः, तो हमने यहाँ ऐसे भी कर सकते थे दो बटे तीन आ जाए, चाहे तो यहाँ पे काट दो चाहे तो बाद में गुणा करके काट दो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो भाई करते हैं अपने तीसरे वाले पार्ट को, यहाँ पे तीन बटे सात था हमने लिख लिया, भाग की जगह पे गुणा कर दिया, आठ बटे सात का उल्टा कर दिया सात बटे आठ, कुछ कट रहा है तो हाँ सात एकम सात, सात एकम सात, अब कुछ नहीं कट रहा है तो तीन एकम तीन और आठ एकम आठ, ये हमारे उचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश छोटा है। नेक्स्ट करते हैं अपना चौथा वाला, ठीक है,
तो चौथे वाले में यहाँ पे लिखा है मिश्रित भिन्न में लिखा है, सबसे पहले तो साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, तीन दूनी छः, छः में एक जोड़ा हो गया हमारा सात, बटे में तीन कर दिया, भाग का उल्टा गुणा, तीन बटे पाँच का उल्टा पाँच बटे में तीन, कुछ भी नहीं घट रहा, तो सात पचे पैंतीस और तीन तिया में नौ, ये हमारी अनुचित भिन्न है, ये अविषम भिन्न है क्योंकि इसका अंश बड़ा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, नौ से भाग करेंगे पैंतीस को, तो नौ तिया सत्ताईस, नौ चौक छत्तीस, छत्तीस तो ज़्यादा हो रहा है, तो नौ तिया सत्ताईस करेंगे, पैंतीस में से सत्ताईस को घटाएंगे तो आठ बचेगा, शेष को ऊपर लिख दिया अंश की जगह पर और नौ। ठीक है, तो तीन सही, आठ बटे नौ इसका आंसर हो गया। इसको करेंगे साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, तो दो तिया छः, छः में एक जोड़ा हो गया हमारा सात, बटे में लिख देंगे दो, सॉरी ठीक है दो लिख देंगे और भाग की जगह पे गुणा लगा देंगे, आठ बटे तीन का उल्टा तीन बटे आठ कर देंगे। कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो सात तिया इक्कीस, आठ दुनी सोलह कर देंगे। ठीक है, अनुचित भिन्न अंश बड़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 16 से भाग करेंगे 21 को, तो 100 एक ही बार में जाएगा क्योंकि 16 दुनी 32 होता है, तो 16 एक कम 16 कितना बचा, 21 में से 16 घटाया तो 5 बचा, शेष को ऊपर लिख दिया और हमारा हर में 16 था लिख दिया, एक सही 5 बटे 16 आ गया। ठीक है, अब करते हैं हम किसको, इस वाले पार्ट को करते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट, कौन सा पार्ट है हमारा, छठा, छठे वाला पार्ट को करने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं, अगर आपको ये हमारे नोट्स चाहिए ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा जोजस स्टडी नाम से, ठीक है उसको डाउनलोड कर लेना, थोड़ा आपको स्लाइड करना पड़ेगा, ये क्लास यूपी बोर्ड वालों के लिए है, थोड़ा स्लाइड करोगे ना तो ये पर्पल कलर का सेक्शन मिलेगा जहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स एंड वीडियोस लिखा होगा, इस पर टच करोगे तो आपकी क्लासेस ओपन होकर आ जाएंगी, आप सेवन्थ क्लास में हो, सेवन्थ क्लास पर टच करिए, सिक्स क्लास में, जो भी क्लास में हो टच कर सकते हैं, और जैसे कि आप सेवन्थ क्लास में हो टच किया, यहाँ पे आपके सारे बुक्स हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में सारे दिए गए हैं, जैसे आपको मैथ्स पढ़नी है मैथ्स पर टच करिए, सारे चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको पहला चैप्टर पढ़ना है या कोई भी चैप्टर पढ़ना है, यहाँ पे चैप्टर जहाँ पे दिया है वो आपको वहाँ पे चैप्टर मिल जाएगा, इस तरीके से चैप्टर ओपन होके आ जाएगा, जूम करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आप वीडियोस वाले सेक्शन पे जाएंगे तो वीडियोस दिखेंगी, मैं आपको दिखा दूँगी, एक दो दिन में मैं डाल दूँगी, हो सकता है जब तक आप देखें आपको वीडियो मिल जाए, जैसे सिक्स क्लास में मैंने सब कुछ दोबारा मैं पढ़ा चुकी हूँ, नोट्स भी मैं यहाँ पे डाल चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं दिखा दे रही हूँ आपको, जैसे कि आपने खोला, ठीक है कोई भी चैप्टर, जैसे आपने ये चैप्टर उठाया यहाँ जहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, जो ये नोट्स तैयार हो रहे हैं ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो हमारे डले हुए, इनको टच करेंगे तो इस तरीके से जो हमारा चैप्टर जो है वो ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चैप्टर मिल जाएगा आपको, जूम करके जैसे भी पढ़ना है आप देख नोट्स यहाँ से ले सकते हो, जो चैप्टर होगा वहाँ पे चैप्टर लिखा होगा, अगर प्रिंटेड नोट्स होंगे तो वो वहाँ पे प्रिंटेड नोट्स लिखा होगा, और ये जो हमारा वीडियो वाला सेक्शन है इस पर जब टच करोगे ना तो ये जो हमारी यूट्यूब पर जो क्लासेस डली रहती है वहाँ यहाँ पर भी दे सकते हो, मतलब आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी मैं सारे नोट्स जो हैं यहाँ पर डाल दूँगी। ठीक है, तो इतना काम कर लेना है, और इस वाले चैनल पे हमारे साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, अगर आपको पढ़ना है तो साइंस की क्लासेस भी आप देख सकते हो। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया है, दो बटे पाँच लिख लेंगे, भाग की जगह पे गुणा लगा देंगे और इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं साधारण भिन्न में, दो एक कम दो, दो में एक जोड़ा तीन, तो हमारा तीन बटे दो हुआ जाके, और तीन बटे दो का उल्टा दो बटे तीन हुआ जाके। ठीक है, दो दो के कुछ कट नहीं रहा है, दो दो के गुणा कर देंगे चार आ जाएगा, तो पछप हमारा पंद्रह आ जाएगा, ये हमारी उचित भिन्न हो जाएगी, तो हमारा यही आंसर रहेगा, इसको मिश्रित भिन्न में चेंज नहीं करेंगे। और अगर आपको हमारी वाकई में क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी क्लासेस को अपने दोस्तों में, आपका जो ग्रुप बना हुआ आजकल तो सबके इस क्लासेस में ग्रुप बने हुए हैं, तो ग्रुप में ये हमारी वीडियो जो है प्लीज़ शेयर कर दिया करिए, प्लीज़ 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 शेयर कर दिया करिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ठीक है, और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व यहाँ पे लिखा है तीन सही एक बटे पाँच, साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं, पाँच या पंद्रह में एक जोड़ा हो गया सोलह, बटे में पाँच, भाग का उल्टा कर देंगे गुणा, इसको भी साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे, चाहे तो पहले अभी यहाँ पे भाग ही कर दो, ठीक है बाद में गुणा वाला कर लेंगे। ठीक है, तीन एकम तीन, तीन में दो जोड़ा तो हो गया पाँच, बटे में तीन, अब हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, सोलह बटे पाँच हमारा सेम रहेगा, भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा, पाँच बटे तीन का उल्टा तीन बटे पाँच हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी हमारा कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो सोलह तिया हो जाएगा अड़तालीस और पचम पच्चीस हो जाएगा।
ठीक है, ये बड़ा है इसका मतलब ये अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न है, तो ऐसे भिन्नों को मिश्रित भिन्न में चेंज करते हैं। कैसे? 25 से 48 को भाग करेंगे, ठीक है, 25 दूनी 50 होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो 25 एकम 25 ही करेंगे, 48 में से 25 को हटाएंगे तो हमारा 23 बचेगा, बटे में 25 था ही, तो एक सही 23 बटे 25 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको करते हैं तो 2 सही 1 बटे 5 को हम मिश्रित भिन्न में है साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, तो 5 10 में एक जोड़ा हो गया 11 और बटे में 5 लिख दिया, भाग भी लगा दिया, 5 एकम 5, 5 में एक जोड़ा हो गया 6, 6 बटे 5 हो गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 11 बटे 5 कर लिया और भाग का उल्टा गुणा कर लिया, और 6 बटे 5 का उल्टा क्या करेंगे हम 5 बटे 6 कर देंगे, ठीक है। अब हम कुछ कट रहा है तो काट देंगे, जैसे 5 से 5 हमारा कट गया, बाकी कुछ कटा नहीं, तो 11 बटे 6 हमारा हो गया। अब हमारी ये मिश्रित भिन्न है मतलब अनुचित भिन्न है, तो इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे। अनुचित भिन्न इसलिए है या विषम भिन्न इसलिए क्योंकि इसमें अंश बड़ा है, ठीक है, तो 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 एकम 6 करेंगे, 6 करेंगे, 11 में से 6 गया तो हमारा कितना बचा 5, बटे में 6 है ही, तो एक सही 5 बटे 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर।